गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग काफी ज्यादा खास होने वाला है या नहीं होने वाला मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली मेरी बहुत ज्यादा बैंड बजी हुई है दो दिन से। क्यों वो क्यों बजी है मैं आपको बताती हूँ। अभी परसों रात में मेरे पास मैसेज आया था कॉलेज से कि आपके एग्जाम 7 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो या पहले तो मैंने जब वो मैसेज पढ़ा तो मतलब आधी हालत तो तभी मेरी बैंड बज गई, आधी हालत तभी खराब हो चुकी थी। और फिर उसके नीचे लिखा था कि जो बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनको प्रॉपर कॉलेज ड्रेस में आना है। और मतलब सबसे फनी बात ये है कि मेरी ड्रेस ही नहीं ली है मैंने अभी तक। मतलब कॉलेज में गई हूँ, थोड़े बहुत दिन गई हूँ, ज़्यादा नहीं गई हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो इसीलिए मैंने ड्रेस अभी तक ली नहीं थी। पर उसमें अभी 7 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है और मेरी ड्रेस नहीं है, तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा बैंड बजी। तो आज मुझे ड्रेस भी लेनी है और कॉलेज की, और थोड़ा सामान भी लेना है, फाइल वगैरह बनानी है कॉलेज का। तो बहुत ज़्यादा काम है मेरा तो कॉलेज का, तो मतलब बैंड बजी पड़ी है क्योंकि ड्रेस नहीं ली मैंने कॉलेज की। और ड्रेस सबसे ज़रूरी है क्योंकि ड्रेस की फिर सिलाई फिटिंग विटिंग करवानी पड़ती है, तो वो भी उसमें भी टाइम लगता है। तो देखते हैं 7 तारीख तक वो भाई वो काम होता है कि नहीं होता है, ड्रेस बन पाती है कि नहीं। तो चलो अभी ना रेडी हो जाते हैं और फिर उसके बाद तन्नू जी के साथ जाएंगे मार्केट, वहाँ से ड्रेस लेंगे और फाइल और आगे क्या क्या लेंगे वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। और आपको मेरी आप तब तक इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो चलते हैं। सो गाइज, एक अच्छी बात ये है कि कल रात में मन्नू दीदी घर आ चुकी है और वो कल रात में आई थी। तो या अभी ना वो अंदर लेटी है और कुछ फ़ोन चला रही है, तो ठीक है। और ये वो आई है तो थोड़े एंजॉय करेंगे। और अभी ना चलो रेडी हो जाते हैं और फिर उसके बाद मुझे ड्रेस लेने जाना है, तो चलो चलते हैं। तो गाइज अभी ना मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलो अभी मैं और तन्नू दीदी जा रहे हैं मार्केट मेरी ड्रेस लेने। तो ये देख दीदी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। क्या करने जा रहे हैं? तुम्हारे लिए ड्रेस लेने, जब तुम्हें एग्जाम के एक हफ्ते पहले सिलवाने की याद आई है। या तो अभी हम लोग ड्रेस लेने जाते हैं, तो चलो चलते हैं। शॉप से हम लोग सामान ले रहे थे, वहाँ पे ना एक उनका तोता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट था वो। वो बोलने वाला तोता नहीं था पर वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ये जा रहे हैं मेरे मामा। सो गाइस अभी ना हम लोग घर पे आ चुके हैं और मैं अपनी ड्रेस लेने गई थी, पर जिस शॉप पे जहाँ पे हम लोग ड्रेस लेने गए थे तो वहाँ पे मुझे मेरी ड्रेस मिली नहीं। और अभी ना मैं मम्मी के साथ जाऊंगी दोबारा मार्केट शाम को। अभी तो बहुत तेज़ धूप है तो अभी तो कहीं नहीं जाने वाले, तो अभी शाम को मम्मी के साथ जाएंगे मार्केट और वहाँ पे देखते हैं ड्रेस मिल जाए। और आई होप मिल ही जाए क्योंकि एग्जाम्स आने वाले और ड्रेस बहुत ज़रूरी है। तो अभी ना मम्मी के साथ जाएंगे, तो अभी चलो मैं आपको मन्नू दीदी दिखाती हूँ क्या कर रही है, सब लोग दिखाते हैं। और मैंने अपनी फाइल आइल सारा सामान ले लिया तन्नू जी के साथ और मुझे ड्रेस नहीं मिले, तो चलो दिखा दे मन्नू जी को। और यहाँ पे मन्नू दीदी लेटी है और मन्नू दीदी के चोट लग गई क्योंकि ये खड़े खड़े ऐसे लेट के फोन चला रही थी, तो इनके मुंह पे गिरा तो इनका ओठ सूज गया। दीदी दिखाना दो, दीदी दिखाना दो। तो पता नहीं इन लोगों को कैमरा देख के क्या हो जाता है। सब
एक गंदी बच्ची यहाँ पे सुपारी खा रही है, जो अपना सामान लेने गई थी और ये वहाँ से सुपारी लेके आई है, सुपारी खा रही है और कैंडी को भी खिला रही है कि कैंडी भी सुपारी, पर उसने खाई नहीं। कैंडी अच्छी बच्ची है। हाँ खाओ कैंडी अच्छी बच्ची। दीदी हाय तो बोल दो, दीदी हाय बोलो मेरी फैमिली को। हाय 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 नहीं हाय प्यार वाला हाय बोलो। और यहाँ पे कैंडी लौट रही है, कैंडी अच्छी नहीं है। बिना मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूंगी। और यहाँ पे कैंडी अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार कर रही है, ये देखो वीडियो बना रही है। सो गाइस अभी ना मैं जा रही हूँ लंच करने, और लंच में आज मम्मी ने क्या बनाया तो चलो मम्मी से ही पूछ लेते हैं। और अभी ना चलो लंच कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। और कहाँ जा रही हो कैंडी? जा रही है। तो चलो अभी ना लंच करते हैं। आज मन्नू दीदी का फेवरेट खाना बना है जो मन्नू दीदी ने बोला है, तो मतलब ये आई है यहाँ पे, बीच में आवाज कर रहे हो। हाँ तो आज मन्नू दीदी का फेवरेट खाना बना है खिचड़ी पापड़ एंड अचार। तो आज मन्नू दीदी ने मन्नू दीदी को यही खाना। तो ये रहा हमारा लंच। सो गाइज अभी ना मैं दोबारा रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी ना मैं और मम्मी फिर से जा रहे हैं मार्केट, फिर से क्या क्योंकि उस टाइम दीदी के साथ गए थे तो ड्रेस मिली नहीं, पर अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं मार्केट, तो देखते हैं वहाँ पे ड्रेस मिलती है या नहीं, मिली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अभी दीदी बना रही है चाय, तन्नू दीदी, तो बढ़िया सी चाय पीते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा थक गए, तो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये मांग रही है, नहीं खा रही है। ये बेसन की कैंडी, कैंडी ना मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं तक रखूंगी, क्योंकि अभी कुछ है नहीं खास दिखाने वाला। तो या अभी ना मैं अपने ब्लॉग को यहीं तक रखूंगी, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है और आपको मज़ा आई है तो आप इस ब्लॉग को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी सब अपने अपने फ़ोन में लगे हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम मारा होगा फ़ोनों का, तो उसको इग्नोर मार देना।